अंबेडकर नगर के टांडा में देर रात अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहे भाजपा नेता तेजस्वी जायसवाल के अपहरण की सूचना आग की तरह फैली। भाजपा नेता के अपहरण की सूचना पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सक्रिय पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता को सड़क के किनारे अधमरी स्थिति में बरामद कर लिया। सूचना पर जिले के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला अंबेडकर नगर जिले के टांडा का है, जहां भाजपा विधायक संजू देवी के सबसे करीबी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहे भाजपा नेता का उस समय दो कार में बैठे लोगों ने अपहरण कर लिया जब वे अपने साथी के साथ घर जा रहे थे। भाजपा नेता तेजस्वी जायसवाल के अपहरण की सूचना से हर तरफ हंगामा मच गया। अपहरण के एक घंटे बाद भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल को शहर से 6 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे अधमरी हालत में पाया गया। आनन फानन में उसे गंभीर हालत में सीएससी टांडा में इलाज के लिए लाया गया। शरीर पर 22 चोटों के निशान पाए गए। स्थिति गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू ने बताया कि दो गाड़ियों से इनका अपहरण किया गया और मारपीट कर मेडिकल कॉलेज टांडा के सामने सड़क पर फेंक कर चले गए। लगभग 10:15 बजे नगर में भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल के साथ आपराधिक घटना की जानकारी हुई और उसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। जानकारी देने के बाद सक्रिय हुए और निश्चित तौर पर यह आपराधिक घटना है। अब तेजस्वी क्योंकि अभी अचेत अवस्था में है, अब सारी जानकारी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये सारी चीज तेजस्वी बताएंगे। देखिए गाड़ी का नंबर जो सामने आ रहा है 0005, क्योंकि उनके साथ सूरज यादव था, उसने बताया कि 0005 फॉर्च्यूनर गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी जो तेजस्वी के मोटरसाइकिल में पहले फॉर्च्यूनर लड़ाया गया, ये जब गिर गया उसके बाद दोनों गाड़ियों से लोग उतरे, असलाह के बल पे इसको स्विफ्ट गाड़ी में लाद के लेके चले गए। ये हम लोग घटनास्थल पर जब पहुंचे तो वहां पर फिर तेजस्वी का फोन आया, कई लोगों के पास आया, हम लोग कई गाड़ियों के साथ पहुंचे वहां। तो ये बताया कि हम मेडिकल कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पे बैठे, यहीं पर लाके हमको छोड़ दिया। नहीं, जो सच्चाई है, जिसने किया वो आपराधिक घटना है, अपराध किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटना की सूचना पर भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। इतनी बड़ी घटना है, इस पर तो अभी टिप्पणी करना मुश्किल है। अभी तक तो जो देखा गया है उसके हिसाब से मारपीट का और उनको गाड़ी में डालकर ले जाकर छोड़ने की घटना घटित हुई है। इसके पीछे क्या पहलू है, इसके बारे में इस अभी का इसके बारे में कुछ कहना है। पूरे प्रकरण की जांच, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला बताया जा रहा है, पूरे प्रकरण की जांच जनता से करके ही इससे कुछ किसी पे आरोप लगा सर, इसके विषय में अभी जांच पड़ताल की जाएगी।